महेशपुर विधानसभा में संत रविदास समरसता यात्रा ने प्रवेश किया, जिसके बाद यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए महेशपुर पहुंची। महिलाएं सिर पर मंगल कलश लेकर निकली। पुराने बस स्टैंड पर यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ, जिसके बाद यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए कृषि उपज मंडी में जन संवाद कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित हुई है, जहाँ पर सभी को रविदास महाराज के मंदिर के निर्माण की जानकारी दी गयी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में संत रविदास महाराज के मंदिर निर्माण किया जा रहा है, ऐसे में पूरे मध्य प्रदेश में संत रविदास समरसता यात्रा निकाली जा रही है। महेशपुर विधानसभा में भी यात्रा शहर के साथ ही 12 गांवों में होकर निकली। जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। क्षेत्रीय विधायक बहादुर सिंह चौहान और भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कृषि उपज मंडी में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अतिथियों ने संत रविदास के जीवन पर प्रकाश डाला, साथ ही समाज में रविदास के महत्व को भी बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हमारे मैथुर विधानसभा में समरसता यात्रा संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का सागर में 100 करोड़ से अधिक की लागत का एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज की सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में भिन्न भिन्न 5 स्थानों से यात्राएं प्रारंभ की गई है। शोपुर से एक यात्रा, सिंगरौली से एक यात्रा, बालाघाट से एक यात्रा, मांडव से एक यात्रा और नीमच से एक यात्रा। हमारा सौभाग्य है कि मालवा की नीमच की यात्रा आज 31 जुलाई को विधानसभा क्षेत्र मैथुर में सुबह 9 बजे से लगा के शाम को 6 बजे तक इस विधानसभा के भिन्न भिन्न स्थलों पर इसका भ्रमण होने जा रहा है। आज इस कृषि उपज मंडी मैथुर के प्रांगण में हजारों की बड़ी संख्या में संत शिरोमणि रविदास के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं।